खातेगांव पुलिस ने क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ा है। चार आरोपियों से सात मोटरसाइकिल जब्त की गई। नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल गुर्जर के निर्देश देते ही एएसपी सूर्यकांत शर्मा एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा के द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। सूचना द्वारा खातेगांव पुलिस ने सतवास के दो लड़के नितिन एवं अखिल को एक नई मोटरसाइकिल के साथ खातेगांव में पकड़ा था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों लड़कों ने उक्त वाहन थाना सतवास क्षेत्र में चोरी करना बताया। दोनों दोस्तों के साथ मिलकर सतवास बैंक के सामने से अन्य मोटरसाइकिल कांटा फोड़ बाजार से और इंदौर से वाहन चोरी कर ले गए, जो कि हमने दोस्त के साथ मिलकर घरों में छुपा रखी थी। पुलिस ने दबिश देते हुए सतवास के अलीम उर्फ बल्लू पिता गुड्डू ओम निवासी सतवास और शुभम पिता बोंदर उम्र 22 वर्ष निवासी बागदा सभी कब्जे से खातेगांव पुलिस ने सात मोटरसाइकिल जब्त कर थाना लाना बताया। पुलिस ने आरोपी से विभिन्न धाराओं में मामले कायम कर जाँच के लिए उक्त घटना का खुलासा एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर किया है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। गांव को एक सूचना मिली कि वाहन चोर टू व्हीलर वाहन चोर जो है अपनी एक चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं। उक्त मुखबिर की सूचना पर ऐसे टीआई साहब मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे और मुखबिर के बताए भुलिया के आदमी को पकड़ा। उस पर एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की मिली। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमने चार साथी निखिल नितिन और अजीज निवासी सतवास और एक शुभम विभिन्न थानों से खातेगांव से एक सतवास से दो कन्नौज से एक और इंदौर से तीन मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। इस पर एक ही उसने सूचना दी। उक्त सूचना पर से थाना प्रभारी खातेगांव में फोर्स के कल रात को पूरा जहां जहां बताया गया था चोरों ने उनसे मेमोरेंडम के हिसाब से वाहन सात मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी और उनके स्टाफ को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। कितने आरोपी पकड़ाए हैं? चार आरोपी पकड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।